सूरतगढ़िया बाजार के नज़दीक स्थित दसवीं पातशाही गुरुद्वारा के सामने स्थित गली बेरी वाली व आसपास के लोग नशेड़ियों से परेशान हैं। आग देर शाम विरोध स्वरूप गली निवासी एकत्रित हुए और रोष जाहिर किया। गली वासियों ने जिला प्रशासन पर कई आरोप जड़े और कहा कि हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, अब वे पुलिस कप्तान से मिलेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। वहीं सिरसा के SP भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी उनके पास इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 5-7 नशेड़ी हैं जो डेली यहाँ गुरुद्वारे से लंगर प्रसाद छक के और यहाँ चोरी का मामला रहता है और यहाँ नशेड़ी बैठते हैं। हम सारी गली इससे परेशान हैं। हमको 1 महीना हो गया लगभग। आज भी मैं जब आया हूँ यहाँ, मैं कहीं गया होता तो यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ गली में दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने MC साहब को इंतला की है। MC साहब कहते हैं हम सुबह, मैं कहीं आया हूँ सुबह बात करूँगा। अब क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं प्रशासन से ही जाता हूँ, यहाँ कोई कार गलत काम ना हो, यहाँ नशेड़ी बैठते हैं। तो ये प्रॉब्लम पिछले लॉकडाउन से चल रही है हमारी गली में। गुरुद्वारा है यहाँ, किसी को लंगर के लिए मना नहीं किया जाता लाला, तो इसका फ़ायदा उठाकर पिछले साल से 5-10 नशेड़ियाँ जो किसी के आगे घर के सो गए, रात को 12 बजे आ गया, कोई 1 बजे आ गया वाला, और ये हमें दिक्कत लग रही है भी जो नशेड़ियाँ ये कोई ना कोई वारदात कर बैठेंगे, फिर आप इसको संभालेंगे। प्रशासन से MC साहब से एक ही गुजारिश है भी ये गली हमारी साफ सुथरी की जाए, जो नजायज़ आदमी आके गलत आदमी आके बैठते हैं उनको उठाया जाए, बस ये कार्रवाई करनी चाहिए इनको। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।